वहाँ की मिट्टी में ऐसी क्या बात है कि हम बड़े बड़े जो राइटर्स हैं, अधिकारी हैं, वो प्रयागराज के ही देखते हैं। बड़ा क्रिएटिव माइंड कहा जाता है यूनिवर्सिटी को कहा जाता और जो है किसी जॉब को पाना ही नहीं है तो मैं को आज की डेट में तो जो सोशल मीडिया और टीवी है उसमें तो तो आप मेरा इंटरव्यू हैं यही हॉबी है आप तो लोग ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर हमारी लाइक हो तो हम यही करें हमें तो सबसे अच्छी कंट्री है तो अब तो भारत उनको देखिए सबका अपना संस्कृति है अपना कल्चर है लेकिन सारे जहाँ से अच्छा है हमारा हमारा प्लान भी होना जिंदगी में जरूरी है अगर आपका प्लान वन हो जाए प्लान तो जिंदगी में सिर्फ ये होना चाहिए कि हैप्पीनेस चाहिए और हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड होती है बहुत से लोग सेवन स्टार होटल तो नहीं पाते हैं बहुत से लोग जंगल में पा जाते हैं आप चाहते हैं कि मैनिक्योर गार्डन हो या वाइल्ड फॉरेस्ट हो अपनी सुंदरता तो जंगल की भी होती है बात यह है कि आपके मेडनेस में भी एक मेथड होना चाहिए लोग कहते हैं अगर सरकारी नौकरी में आ जाएंगे तो जिंदगी बड़ी गार्डन हो जाएगी सुंदर पिचाई सत्य नडेला सरकारी नौकरी में नहीं है ऐसा मत सोचिए आपके जमाने में ही डिस्कशन आप से पचास साल बाद भी डिस्कशन जिन जिनको सक्सेसफुल होना होता है वो चिड़िया के आंख देखते हैं अर्जुन के है। कोई मंत्र आप लाइफ में अपना फॉलो करते कोई ऐसा मंत्र जो आपको सक्सेस की ओर ले जाता है आपकी लाइफ के तीन नमस्कार आपका स्वागत है हमारे चैनल में मैं हूँ आपके साथ प्रिया बाजपेयी तमाम ऐसे बच्चे हैं जो आई पीसीएस बनना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कन्फ्यूजन रहती है क्या करें माँ बाप को कैसे कन्विंस करें कि उनको इसी फील्ड में आगे जाना है आपने हमको हमारे पुराने एपिसोड में बहुत सारा प्यार दिया था आज भी हम आपके लिए ऐसी ही एक खास पर्सनालिटी लेकर आ रहे हैं नाम है प्रदीप कुमार दुबे जी प्रमुख सचिव विधानसभा आपको बता दूं मैं कि ये उत्तर प्रदेश के इटावा से आते हैं इटावा एक छोटा सा शहर है वहां के बच्चे आगे आकर बहुत कुछ जिंदगी में नाम रोशन कर रहे हैं चलिए बात करते हैं सर से और जानते हैं कि उनकी तरह जो बच्चा बनना चाहता है वो भविष्य में क्या करे सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर सबसे पहला सवाल यही है कि लोग आपको देखते हैं आप बहुत लोगों के रोल मॉडल होंगे बच्चे आपकी तरह कैसे बने क्या कुछ करें वो ऐसा कि कौन से जैसे जुडिशरी की पढ़ाई तो सबको पता है कि पढ़ाई करें लेकिन लोगों के दिमाग में रहता है कि चार पांच अटेम्प्ट कर लिए अब नहीं निकलेगा क्या करें तो अपने आपको वो कैसे रखें जिंदगी में सबसे पहली बात तो ये है वो भाग्यशाली बच्चे हैं या लोग हैं जिनको की ऐसी विधा या ऐसा व्यवसाय या ऐसा प्रोफेशन मिला है जो उनका पैशन भी है जी। अगर आपको अपने पैशन का अपना प्रोफेशन मिले तो उसी से आपकी अगर लेवलीहुड है तो वो ज़िंदगी का बहुत बड़ा सुख भी है और बहुत बड़ा सौभाग्य भी है जैसे कोई बहुत बड़ा गायक है तो अगर उसको गाने में अच्छा लगता है उसी से उसकी ज़िंदगी भी चल रही है तो वो इसलिए नहीं उसको कर रहा है कि उसको उससे रोटी कमाना है वो इसलिए कर रहा है कि उसमें आनंद आता है उसको तो अगर आनंद आता है किसी बच्चे को जिस कार्य करने में तो ज़रूर से उसमें फ़ायदा और सफलता भी मिलेगी यहाँ तक मोटिवेशन का सवाल है इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है यहाँ पर जॉब्स की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी नौकरी ही सिर्फ जॉब नहीं देता जॉब पूरी जगह पड़े हुए हैं और उसके लिए एक नहीं कई चीज़ें हैं जहाँ पे ट्राई करना चाहिए सर आप भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े हैं प्रयागराज के कहा जाता है सर तो वहाँ के कहा जाता है वहाँ की हवा में ऐसा है कि वहाँ के बच्चे अक्सर अधिकारी बनते हैं अधिकारी ही बनते हैं ये खास बात कही जाती है तो वहाँ की मिट्टी में ऐसी क्या बात है कि हम बड़े बड़े जो राइटर्स हैं अधिकारी हैं वो प्रयागराज के ही देखते हैं बड़ा क्रिएटिव माइंड कहा जाता है एक जमाना था जब ऐसा चलता था अब तो छोटे छोटे शहरों के बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं हाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को कहा जाता था ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट तो जरूर उसका एक अपना महात्म था और बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस था लेकिन अभी देखें अगर आप उठा के जो प्रतियोगिता में जो जो बच्चे सफल हो रहे हैं वो छोटे शहरों से भी हैं छोटे विश्वविद्यालयों से भी हैं अगर उनको मौका मिलता है आप बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने का तो निश्चित रूप से उनको एक माहौल ज़रूर मिलता है लेकिन वो कहीं भी रह के प्रतियोगिता की पढ़ाई कर सकते हैं और विश्वविद्यालयी शिक्षा जो है उसका सिर्फ़ मकसद किसी जॉब को पाना ही नहीं है उसमें ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करना होता है तो अगर बड़ी यूनिवर्सिटी है आप हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं तो आपके व्यक्तित्व का विकास होगा इलाहाबाद है ज़रूर विकास होगा तो अगर सिर्फ प्रतियोगिता करें तो उसके लिए ओवरऑल डेवलपमेंट पर्सनैलिटी का जरूरी है सर बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है आप लोगों का आपकी क्या क्या हॉबीज हैं जो आप आज भी आगे ले जा रहे हैं परस्यू कर रहे हैं चाहे वो स्पोर्ट्स में हो चाहे वो रीडिंग बुक हो या फिर टीवी देखना हो म्यूजिक सुनना हो या इसके सिवा कुछ और जो आप आपका पैशन है जो आप अपनी हॉबी में आज भी कर रहे हैं आज की डेट में तो जो सोशल मीडिया और टीवी है तो उसमें आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं यही हॉबी है आज तो लोग ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर हमारी लाइक्स हो हम यही करें लेकिन सरकारी नौकरी में जिस स्थिति में हम लोग होते हैं उसमें समय बहुत कम मिलता है और हम लोगों को अपने काम जो है उसको निर्वहन करना होता है लेकिन ज़रूर हम लोग क्योंकि पढ़ने लिखने से यहाँ तक पहुँचें तो पढ़ाई लिखाई का शौक नॉर्मल कोर्स में होता ही है और हम लोग पढ़ते लिखते भी रहते हैं उसके अलावा ये है कि लोगों से मिलना भी बहुत होता है वो भी बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग बात है और अगर आपको दुनिया देखने का मौका मिला है, तो वो भी बहुत अच्छी सर विदेश सब जाते हैं आप भी बड़ा घूमे होंगे कोई ऐसी कंट्री है जो आपको भारत से थोड़ी सी अच्छी लगती है हमें तो सबसे अच्छी कंट्री अपना भारत लगता है लेकिन भारत के अलावा कोई ऐसी है जो अच्छी लगती है जो लग, सोचता है कि आपने सोचा कि काम वाम जब खत्म हो जाएगा तो वहाँ जाके रिलैक्स देशों में कुछ अच्छा ही आए कुछ बुरा ही और जिस देश में भी आप जाएंगे वहाँ अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं और अफ्रीका भी अच्छा है यूरोप भी अच्छा है यूएस भी अच्छा है फारिस्ट भी अच्छा है उसमें सबसे बड़ी बात यह कि आप वहाँ की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको देखिए सबका अपना संस्कृति है अपना कल्चर है लेकिन सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सर आप इटावा से बिलोंग करते हैं और वहाँ से कई सारे बच्चे आगे आना चाहते हैं सर कोई स्ट्रगल या माँ बाप का सपोर्ट बहुत जरूरी है कहा जाता है कि पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना बच्चे कुछ नहीं बन सकते कहीं ना कहीं आज भी जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर पाते मैं आर्थिक के तौर पर बात नहीं कर रही हूँ जैसे बच्चों ने एग्जाम निकाला या दो अटैम्प तीन अटैम्प में एग्जाम नहीं निकला लेकिन बच्चा चाहता है लेकिन घर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं लेकिन माँ बाप चाहते हैं वो छोड़कर उसको आगे बढ़े तो उसके लिए कैसे बच्चे खुद को अपने दिमाग को कितना काम रखें और पेरेंट्स को भी कैसे समझाएं हमारा ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं रहा है फॉर्चुनेटली बड़ी कंफर्टेबल लाइफ रही है हमें पूरी तरह से सपोर्ट भी मिला है हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े हैं उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में भी पढ़े हैं भले इटावा के रहने वाले हों वहीं से उसी परिवेश से निकले हैं लेकिन ये जरूर है कि अपने आप को कोशिश ये करना चाहिए कि सिर्फ किसी इम्तहान के लिए किसी प्रतियोगिता के लिए ना पढ़ा जाए और कोशिश किया जाए कि अपने व्यक्तित्व का जो ओवरऑल विकास सर्वांगीण विकास किया जाए उसमें ज़रूर प्रतियोगिता भी इन्वॉल्व रहती है और निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है अनुशासन बहुत बड़ी बात है अगर अनुशासन है अपनी ज़िंदगी में तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और उसमें किसी भी क्षेत्र में होंगे आप सर आप की बात करें तो पर्सनालिटी को कैसे आप इतना मेंटेन करके रखे हैं वो आपकी पोजीशन की वजह से है कि आपको शुरू से मतलब डिसिप्लिन पर्सनालिटी और इन सब चीज़ों का रहा है कि मेंटेन पर्सनालिटी में रहना है या सिर्फ वो आपका ऑफिशियल की होने की वजह से आप वो जीवन शैली है आपकी जीवन शैली बन जाती है ऐसा भी कुछ नहीं कि हम सबसे ही रोल मॉडल हो सकते हैं हमसे बहुत बेहतर लोग हैं बहुत सफल लोग दुनिया में पड़े हैं लेकिन आपकी एक लाइफ है और ये कहा जाता है कि 90% परसेंट जो है वो आपका हार्ड वर्क है 10% परसेंट लक होता है अगर हार्ड वर्क है तो ज़रूर मिलेगा उसके लिए आपको समय का सदुपयोग करना पड़ेगा ख़ासतौर से जब आप छात्र जीवन में अगर आपके बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है सर प्लान भी होना ज़िंदगी में ज़रूरी है अगर आपका प्लान वर, वन फ्लॉप हो जाए अब इसके बारे में तो बड़ी भारी बात यह है कि मैं एक बार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गया जी। तो मैंने वहाँ किसी स्टूडेंट से पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं तो उसने कहा कि अभी तो मैंने ऐसा सोचा नहीं तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और पढ़ने के बाद जब मैं परित पढ़ने के पूरी तरह सेचूरेट हो जाऊँगा तब मैं सोचूंगा क्या बनना चाहता हूँ डिपेंड करता है कि प्लान कैसे है। कि आप चाहते हैं कि मैनिक्योर्ड गार्डन हो या वाइल्ड फॉरेस्ट हो अपनी सुंदरता तो जंगल की भी होती है बात यह है कि आपके मैडनेस में भी एक मेथड होना चाहिए प्लान किसे कहते हैं ये तो बहुत बड़ा विषय है उस पर तो बहुत लंबी बात हो सकती है लेकिन सर फिर भी जैसे हम हैं मुझे एंकर बनना है या मुझे पीसी अधिकारी बनना है अगर इनफैक्ट वो नहीं बन पाया और मेरा प्लान भी है कि एक छोटी सी नौकरी करके जिंदगी जी लेंगे तो क्या प्लान भी होना जरूरी है लाइफ में या सिर्फ अपने प्ला, प्लान ए के लिए ही इतना पागल पर होना चाहिए अगर वो नहीं मिला तो फिर कुछ नहीं प्लान तो जिंदगी में सिर्फ ये होना चाहिए कि हैप्पीनेस चाहिए और हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड होती है बहुत से लोग सेवन स्टार होटल्स पर नहीं पाते हैं बहुत से लोग जंगल में पा जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य ये होना चाहिए कि संतोष मिलना चाहिए हमें जिस जिसमें भी संतोष मिले कोई ज़रूरी नहीं सरकारी नौकरी में ही मिले हो सकता है किसी और चीज़ को करने में मिल जाए और हर व्यक्ति जो जिस क्षेत्र में है अगर टॉप पर है वो भी अगर कोई किसी जगह टेलर भी है वो टॉप पर है तो वो निश्चित रूप से उसकी पूछ है ऐसा कोई आवश्यकता नहीं किसी एक विधा में ही रहे आपको इस बात का संतोष होना चाहिए कि जो भी आपने पाया है उससे आपकी सफलता जो है Uh, सर एक मिथ है या फैक्ट है पता नहीं लेकिन लोग कहते हैं अगर सरकारी नौकरी में आ जाएंगे तो ज़िंदगी बड़ी गार्डन हो जाएगी ऐसा है अब हम लोगों के यहाँ चूँकि हमारा देश बारह सौ तो साल तक गुलाम रहा है तो हमारे यहाँ ये होता है कि सरकार एक तंत्र है और उसमें लोग सोचते हैं कि स्टेबिलिटी है और ऐसा नहीं लेकिन और भी जो क्षेत्र हैं उनमें बहुत अवसर हैं और बहुत कुछ आप कर सकते हैं और इस देश के बड़े जो बड़े जो प्रतिष्ठान हैं दुनिया के वहाँ पे हमारे देश के ही लड़के हमारे देश के ही लोग उसको लीड कर रहे हैं सुंदर पिचाई सत्य नडेला ये सरकारी नौकरी में नहीं है उसमें स्काई लिमिट है सरकारी नौकरी की लाइफ तो एक पर्टिकुलर तरीके से चलती है लेकिन अगर आप आसमान छूना चाहते हैं तो फिर आपको कहीं और देखना पड़ेगा अगर आपका प्लान वन नहीं है तो अगर आपको स्काई के बाहर जाना है तो थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा अगर आप फोकस्ड हैं डिवोटेड हैं और हार्ड वर्क कर रहे हैं तो प्लान बी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरा ही मानना है सर, मेडिटेट करना कितना आपको रखना है अपने आपको। और आप नहीं चाहते कि के से क्योंकि आज का युवा बहुत है। मैं या कोई भी हमारे आसपास है हम करियर में आगे तो बढ़ना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं हमारे आसपास बहुत डिस्ट्रेक्शन है तो उस डिस्ट्रैक्शन को हम अपने हमको फ्रेंड से प्रियर प्रेशर आता है तो हम खुद को कैसे चीजों को समझाएं और करें लगता है हर युग के अपने डिस्ट्रक्शन हुए आज से पचास साल पहले के कुछ और डिस्ट्रक्शन होंगे आज के कुछ और डिस्ट्रक्शन हैं लेकिन जो सफल होते हैं वो इन डिस्ट्रक्शन के बाद भी सफल होते हैं ऐसा मत सोचिए कि आपके ज़माने में ही डिस्ट्रक्शन हैं आज से पचास साल बाद भी डिस्ट्रक्शन होंगे लेकिन जिनको सक्सेसफुल होना होता है वो चिड़िया की आंख देखते हैं अर्जुन की तरह सर कोई मंत्र आप लाइफ में अपना फॉलो करते दें कोई ऐसा मंत्र जो आपको सक्सेस की ओर ले जाता है आपकी लाइफ के तीन मंत्र जो आप आज तक फॉलो कर रहे हैं और आपको लगता है ये मंत्र की वजह से आप यहाँ पर पहुँचे हैं वही अपने अपने तो सुंदर है सर लोग जो है बच्चे हैं वो बड़ा बाहर से विधानसभा को देखते हैं लोग जानना चाहते हैं कि विधानसभा है क्या बेसिकली मैन है उसको नहीं पता तो उसको दिखता है हाँ बिल्डिंग्स हैं अंदर अधिकारी बैठते हैं बैठकें होती हैं लेकिन अगर कोई सरल भाषा में समझना चाहे तो कैसे उसको समझेगा कि वो क्या है पावर हाउस है वो क्या है विधानसभा डेमोक्रेटिक सेटअप की लाइफ लाइन है जीवन रेखा है ये और विधानसभा के प्रति एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल होती है इसलिए विधानसभा जो है जो भी आपका सोसाइटी सौ, सौ, है जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ बैठते हैं तो यहाँ पर सामाजिक द्वंद्व और जो सामाजिक आपस में कॉन्ट्रोडिक्शन है यहीं रिफ्लेक्ट होते हैं तो जो आधुनिक जो भी तंत्र है उसका विधानसभा नर्व सेंटर कह सकते हैं एक ज़माने में मिलिट्रिज्म कह रहा था जब युद्ध हुआ करते थे फिर कॉलोनीज़म आया फिर कॉलोनी बन गई कहीं इंग्लैंड ने रूल किया कहीं डच ने रूल किया उसके बाद संसदीय लोकतंत्र का ज़माना आया ये ज़माना संसदीय लोकतंत्र का है इसमें लोगों का जो है उनकी साझेदारी होती है रूल करने में इसलिए जो ये विधानसभा है यहाँ पर लोगों के जनप्रतिनिधि बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हमारे सरकार को कैसे चलना चाहिए तो विधानसभा यहाँ की जीवन रेखा है और यहीं से चर्चाएँ चलती हैं जितनी सुंदर ये बिल्डिंग बाहर से देखने से उससे ज़्यादा गंभीर चर्चाएं अंदर होती हैं और मैं सभी लोगों का आह्वान करूँगा कि वो लोग यहाँ आके देखें बच्चों को विधानसभा आना चाहिए और जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए यहाँ पर हम लोगों ने एक गाइडेड टूर भी बनाया हुआ है हमारे स्पीकर साहब जो वर्तमान हैं माननीय श्री सतीश महाना जी उन्होंने विधानसभा का कायाकल्प किया है और उन्होंने सब लोगों के लिए स्कूल के बच्चे हैं कॉलेजेस के बच्चे हैं और संस्थाएं हैं उनको यहाँ पर गाइडेड टूर करके उनको बताते हैं वो हम लोग जब आते हैं शुरू से लेकर आखिर तक कि इसकी वर्किंग क्या है किस तरह विधानसभा चलती है विधायिका के बारे में लोग कम जानते हैं तो उसको जानने की प्रक्रिया शुरू हुई है और ज़रूर लोगों को जानना चाहिए सर आपकी लाइफ के कोई ऐसे मोमेंट्स जो आपके दिल के सबसे करीब है चाहे वो आपके सर्विस पीरियड में हो या फिर आपके कॉलेज डेज में हो जिसको आप देखते हैं

और जिंदगी जो है वो बेसिकली एक यात्रा है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक बड़ी शॉर्ट ट्रिप है तो उसमें सबसे करीब तो दो ही दो ही संस्कार है एक जन्म या फिर मृत्यु है लेकिन फिर भी सर कुछ तो होगा ना जो आज भी चेहरे पे स्माइल लेकर आते जैसे आप अभी स्माइल कर रहे हैं वैसे आप ऐसे सीरियस लुक में आप इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन अभी आपके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल है तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है आप बैठे हुए मुझे लगता है समाज के प्रति जो हमारा ऋण है अगर उसको हम चुका सकें थोड़ा बहुत जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं वहां पर कुछ ऐसा योगदान कर सकें जिससे कि वो संस्था सुदृढ़ हो तो संतोष की जरूर अनुभूति होगी उससे सब फिट रहने के क्या तरीके क्योंकि आपने भी अपने आप को अच्छा मेंटेन करके रखा है तो क्या क्या तरीका है पॉजिटिव एटीट्यूड जिंदगी में सर देखा गया है कि अक्सर गलतियां हो जाती हैं तो हम उस उसमें माफी नहीं मांगते है. माफी मांगना कितना जरूरी है अगर हमसे कोई गलती हो जाए चाहे वो आपके सर्विस पीरियड में हो पर्सनल हो प्रोफेशनल हो कहीं पर भी हो माफ़ी मांगे ना मांगे लेकिन गलतियों से सीखना चाहिए इसी से आप अनरिच होंगे अगर गलतियाँ नहीं करेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी गलतियाँ तो होती है। सर कोई संदेश खास संदेश जो आज की युवा पीढ़ी को देना चाहते हैं अपने जीवन को भरपूर जियो और दूसरी बात ईमानदारी से जियो किसी दूसरे के टर्फ पे अतिक्रमण न करो सर लोगों की एक बड़ी आदत होती है कि वो चाहते हैं कि दूसरा जिंदगी ना उनके मुताबिक जिए चाहे आपके हायर रैंक अधिकारी हो चाहे वो छोटा काम करने वाला हो चाहे इंसान के दोस्त यार हो वो चाहता है कि कहीं ना कहीं दूसरा इंसान उसके अकॉर्डिंग जिए तो वो तालमेल कैसे लाना है इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आदमी अपने आप को सिस्टर पर पहुंचा सके जहाँ के दूसरे के लोग उसको फॉलो करें और उससे एनएमर्ड होकर फॉलो करें तो आप उनके लिए एक रोल मॉडल बनिए उनके लिए उदाहरण बनिए आपकी तरह जिएगा वो जिंदगी सर एक ईर्षा की भावना होती है लोगों में तो वो ईर्षा से कैसे बचा जाए ईर्षा का कोई मतलब ही नहीं है तो जहाँ पर कि आप खुद को उस स्थिति में ले जाएंगे जहाँ पर कि आप लोगों के रोल मॉडल हैं तो आपको कहना थोड़ा ये लोग आपका अनुसरण वैसे ही करेंगे उसमें ईर्षा कहाँ है उसमें तो प्रशंसा है लेकिन जैसे आसपास के लोग होते हैं कोई बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाता है कोई नहीं पहुंच पाता कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है यार वो पहुंच गया पर मैं नहीं पहुंच पाया तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होनी चाहिए जेलिसी से कोई फायदा हो तो नेगेटिव तो एनर्जी है क्या कॉम्पिटिशन तो होना ही चाहिए और अपने आप को मोटिवेटेड रख कैसे रखें मोटिवेशन के लिए क्या करें बुक्स पढ़ना जरूरी है ठीक है लेकिन उसके अलावा मोटिवेशन कोई आपका दिमाग बहुत ज्यादा परेशान है आप टेंशन में हैं तो क्या करें क्योंकि आजकल के बच्चे घूमने निकल जाते हैं दोस्तों के साथ या वो अपने आप को कमरे में लॉक कर लेते हैं या वो सॉन्ग सुन लेते हैं कोई और तरीका है भगवान की पूजा एक ही तरीका है कि जिंदगी जो है बहुत शॉर्ट ट्रिप है इसलिए इसमें कुछ सीरियस नहीं होता जो कुछ भी है अगर किसी के जो है सुख परमानेंट नहीं तो दुख तो परमानेंट बिल्कुल नहीं है इसलिए कोई दिक्कत नहीं कल बेहतर हो जाएगा सर थैंक यू सो मच कि आपने हमको अपना इतना प्यारा टाइम दिया नमस्कार नमस्कार तो आपने देखा ये थे हमारे साथ प्रदीप दुबे जी जिन्होंने साफ तौर पर बोला अगर बच्चे को आगे भविष्य में कुछ बनना है तो डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है प्लान बी जैसी कोई चीज नहीं होती अगर आप प्लान ए के लिए पागल हैं और अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं तो आप जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए तब तक के लिए नमस्कार